अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल में शामदीद कहते हैं। बात करेंगे पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी निकल के सामने आए हैं एशिया कप पे और उन्होंने अपना मौकिफ दिया है कि हम अब इंडिया के साथ क्या करने वाले हैं। एशिया कप बड़ा बयान दिया है, बिल्कुल इस पे बात करेंगे। और बात करेंगे क्रिकेट फैंस के लिए, कराची के फैंस के लिए स्पेशली गुड न्यूज है, अच्छी खबर है, कोई इतने टिकट अनाउंस कर दी गई है, हैवी अमाउंट नहीं है, आप परचेस कर सकते हैं। बिल्कुल, सब पहले टॉपिक का स्टार्ट करेंगे एशिया कप से। एशिया कप से पाकिस्तान 10 बरदार हो चुका है मिनी एशिया कप से, जो कि इंडिया के मैचेस होंगे। इंडिया के मैचेस तो अब वो मिनी एशिया कप होगा पाकिस्तान में। बिगेस्ट एशिया कप जो था वो उससे हो गया 10 बरदार। बिल्कुल, अब कहानी ये निकल कर आई है कि नजम सेठी ने बताया है कि हमने इंडिया को ऑफर ये किया है कि भाई हम इतना सेक्रीफाइस कर लेंगे कि जो इंडिया के मैचेस होंगे ना उससे हम 10 बरदार हो रहे हैं, और जो पाकिस्तान में एशिया कप है हम वो खेलेंगे। और मजे की बात, सबसे बड़ी बात, जो फाइनल होगा अगर इंडिया पहुंच जाए तो उससे भी हम हाथ धो बैठेंगे। बिल्कुल हाथ धो बैठेंगे, पर ये हमारा मौकिफ अगर मैं आपको बताऊं तो साउथ लिटरली हम हार चुके हैं। ये अगर हम पूरा एशिया कप पाकिस्तान में होता तो हम कहते कि हाँ हम ड्राइविंग सीट पे हैं, पर अभी हम लूजिंग साइड पे बैठे हुए हैं। पर यहाँ पे जो पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी ने बीसीसीआई से दरखास्त की है वो ये की है कि जो दूसरे बोर्ड्स हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, उनको आप मनाओगे कि आधा आप इंडिया के मैचेस खेलने के लिए दूसरे वेन्यूज पे जाओगे और पाकिस्तान के मैचेस पाकिस्तान में खेलने आओगे। जो दूसरा फड्डा ये चल रहा है कि जो दूसरी टीम है वो कह रही है कि हम भाई आधा मैच इधर एक मैच उधर, ऐसे नहीं खेल सकते। यार मैं एक बात जानता हूँ, देखो आप इंडिया नहीं आ रही एशिया कप का मजा खराब है। बिल्कुल, आधा उधर आधा इधर, बेहतर है दुबई में हो जाए। दुबई में पूरा एशिया कप करवा दो आप। दुबई सुनो, एशिया कप दुबई में करवा लो और इंडिया से गारंटी दिलवा लो। इंडिया से ये गाना है, आप अपनी एक शर्त रख लो वर्ल्ड कप 2023 के लिए। बिल्कुल, हमारे जो मैचेस है वो सिर्फ दो वेन्यू पे करवाए, दो वेन्यू पे। देखिए सुनो, वो दो वेन्यू पे करा, जो चैंपियन ट्रॉफी है उसमें कोई रोला ना पड़े। बिल्कुल ये सही आपकी बात, आप ये डील कर लो। पर ये डील तो हम तब करें ना कि जब ये हमारी तरफ से हो, क्योंकि बीसीसीआई पहले से रिकमेंड कर रहा है कि हम पाकिस्तान के मैचेस सिर्फ और सिर्फ 3 वेन्यूज पे करवाएंगे, तो वो तो ऑलरेडी से ये सजेशन कर रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान ये करता है तो उन्होंने तो फौरन मार जाना है, वो 3-2 पे आ जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर बात यहाँ पे ये है कि अगर पीसीबी चाहता है, देखें डबल एक्सपेंस हो जाएंगे, सो एक मैच इधर होना एक मैच उधर होना, तो पीसीबी जान करेगा। एशिया कप 50 लाख में होगा, वहाँ फिर 1 करोड़ पे कहानी चली जाएगी। अरबों की बात है, लाख करोड़ की बात नहीं है। समझे नहीं, आपको एक मिसाल दे रहा हूं। आप ये बात करेंगे जो देखो, आप और हम तो हिसाब लगा ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बिलियंस का हिसाब किताब होता है और कोई गली मोहल्ले का टूर्नामेंट नहीं है। कि आपका जो टूर्नामेंट 50 लाख में होगा वो 1 करोड़ पे चले जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। पर बात यहाँ पे अभी आ रही है कि जो पीसीबी के चेयरमैन ने कहा कि ठीक है हम 10 बरदार हो रहे हैं, पर आपका काम है कि जो दूसरी टीम है जिनको आपसे खेलना है न्यूट्रल वेन्यू पे, आप उनको कन्विंस करें और होस्टिंग राइट्स हमारे पास है तो हम हॉट्स का वेन्यू हम आपको बताएंगे, आप हमें सजेस्ट नहीं करोगे, आप हमें मशवरा दे सकते हो कि यहाँ रख लो वहाँ रख लो, पर हतमी फैसला हमारा ही होगा। तो ये अच्छी बात है, कहीं पे थोड़ी मर्दानगी दिखाई है नजम सेठी ने। सब जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो आ रही है थोड़ी आईपीएल पे बात करना चाहूंगा। कल क्या मैच हुआ यार आईपीएल का, पहले तो राशिद खान ने हैट्रिक, फिर जाया और फिर आखिरी ओवर में 30 रन चाहिए थे, रिंकू सिंह 5 पे 5 छक्के मारे, यार क्या लाजवाब बंदे ने बैटिंग करी है। आईपीएल को हम कवर नहीं कर पा रहे, जैसे ही ईद का दिन खत्म होगा उसी दिन से सारा फोकस आईपीएल पे आ जाएगा, क्योंकि रमजान में थोड़ी टाइमिंग ऐसी बनी हुई है ना, आईपीएल की टाइमिंग आउट है, फिर मैच की टाइमिंग आउट है, इस वजह से हम कर नहीं कवर नहीं कर पा रहे। पर जैसे मैच हो रहे हैं ना आईपीएल में, लाजवाब मैचेस हो रहे हैं। कल बहुत बड़ा आखिरी ओवर का रन चेस किया रिंकू सिंह ने, जो कि 29 रन, आज से पहले T20 की क्रिकेट में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो अच्छी बात है, आईपीएल देखने में मजा आ रहा है। खैर मैं देख रहा हूँ, मैच सारे देख रहे हैं, पर एनालिसिस करने के लिए मजे की बात 12 बजे की बात टीवी पे भी दिखाया जा रहा है इस बार आईपीएल पाकिस्तान पे। बड़ी बात है, बड़ी बात, रेटिंग तो आईपीएल की फिर ऊपर जानी है ना। और इस बार का जो आईपीएल हो रहा है वो होम और अवे की कंडीशन पे हो रहा है। सब जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के वनडे और T20 सीरीज के टिकट्स अनाउंस कर दिए हैं, रावलपिंडी के और कराची के। अगर मैं पहले चलूँ रावलपिंडी के, जो रावलपिंडी में 20 अप्रैल से मैचेस शुरू होंगे, चौथा T20, उसकी टिकट की बात करें 1000 रुपये का VIP और प्रीमियम 500 रुपये का। तो बेसिस जो प्राइस रखें अच्छे रखें, इसमें यह है कि आवाम अफोर्डेबल कर सकती है, जाएगी। अगर बात करें इसी तरीके से 5वां T20, पहला ODI और दूसरा ODI, इस तरीके से रावलपिंडी का, अगर रावलपिंडी के ODI की बात करें तो ODI में आपको VIP 500 रुपये में मिलेगा, T20 आपको 1000 में मिलेगा और ODI आपको 500 में मिलेगा, और जो प्रीमियम है वो आपको 300 रुपये मिलेगा। पिंडी में 500 रुपये का VIP, देखें वरना पिंडी में हर बार आपको टिकट्स एक्सपेंसिव मिलते हैं, कराची में सबसे सस्ते होते हैं, पर इस बार कराची में भी
और सस्ते कर दिए गए। और सस्ते नहीं बस सही है, देखो नॉर्मल है ओडीआई, क्योंकि कराची में देखने कोई मांगता नहीं है। T20 इन्होंने रखे नहीं, वो छीन लिए। चलो कराची की बात है, 3 मई से जो तीसरा ओडीआई खेला जाएगा, 5 मई से चौथा और 7 मई से पांचवा खेला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वीआईपी की जो प्राइस रखी है कराची में 1000 रुपए रखी है फराज, बेहतरीन। फर्स्ट क्लास 500 रुपए, फर्स्ट क्लास ठीक है पर और कम हो सकती है। जो है वो 750 है। कराची में यही मैचेस T20 होते हैं ना, और ये टिकट के प्राइसेस होते हैं, तो आवाम ने भर भर के जाना है देखने के लिए। पर अब ठीक है 250 है। और बॉक्स प्राइस बता दूं जो आप और हम भी ले सकते हैं, माशाल्लाह से ले सकते हैं, क्योंकि वो सॉरी नहीं ले सकते क्योंकि 4 लाख रुपए से शुरुआत हो रही है। लेंगे एक दिन इंशाल्लाह, हमारी रेंज में भी आएगा। जिस दिन हम richest मैन बनेंगे ना, उस दिन हम बॉक्स प्राइस में बैठेंगे। बॉक्स प्राइस के प्राइस जो है 4 लाख रुपए वीकेंड, मतलब संडे वनडे हो, संडे मंडे ये चलता रहेगा, और जो मंडे ट्यूसडे होगा उस पर 3 लाख रुपए रखे जाएंगे। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा। और एक खबर निकल कर आ रही है नजम सेठी की जानिब से, नजम सेठी ने एक हिंट दे दिया है फराज कि अगर बाबर आजम ये सीरीज हारते तो उनकी कैप्टनसी खतरे में। हिंट दे चुके क्लियर अल्फाज में है ये बात, मैंने आपको कह चुका हूँ। अगर नजम सेठी रहेगा वनडे वर्ल्ड कप तक के, आपको टीम में बहुत उदल फुदल देखने को मिलेगी, और ये उनके हिंट्स हमें बता रहे हैं। बाबर आजम जिस सीरीज में फेल हुए, चाहे वो ओडीआई हार जाए या वनडे हार जाए, ओडीआई हार जाए T20 हार जाए, उसमें से बाबर आजम की कैप्टनसी गई बाहर। जो सरफराज के साथ हुआ था वो बाबर के साथ होगा, और ये सरफराज अहमद कह चुके हैं कि जो मेरे साथ हुआ वो बाबर के साथ नहीं होना चाहिए। और ये मैं आपको बता दूं, फिर आपको आमिर नजर आएंगे बाबर के हटते ही कैप्टनसी से, आमिर आपको टीम में नजर आएंगे बहुत जल्द। चलें आपसे इमाद ओडीआई में नजर आएंगे। चलें आपसे चाहेंगे इजाद, क्रिकेट से क्रिकेट तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, वीडियो पोस्ट का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। अल्लाह हाफिज़।